हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, क्या आप इनको पहचानते हो? इनको छोड़ो, इनको तो पहचानते ही होंगे। आशा करता हूँ इनको सभी पहचानते ही होंगे। लेकिन आप लोगों में से अगर कोई ऐसा है कि वो इनको नहीं पहचानते, तो उसके जैसा खुशकिस्मत दुनिया में कोई नहीं है। सचमुच दोस्तों, ये दो वो इंसान है जिनके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स के नाम सुनकर भी भागने लगता है। लेकिन फिर भी अगर कोई हिम्मत वाला या कहे तो जिगर वाला अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए फिजिक्स लेता है, तो इन महाशयों की लॉ, फॉर्मूला या थ्योरी याद रखते रखते उनका हालत ही खराब हो जाता है। यहाँ तक कि उस सब्जेक्ट में फेल होने का भी नौबत आ जाता है। दोस्तों, आज मैं ना ही इनके इन्वेंशनों के बारे में बात करूंगा, ना ही इनके बायोग्राफी के बारे में बात करूंगा। आज मैं इनके साथ क्या करूंगा, ये आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, आज से इस चैनल का आपको एक नया रूप देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप गलती से भी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, जिसकी भी हायर स्टडी में फिजिक्स था या जो हिम्मत वाला सिर्फ फिजिक्स लेकर आगे की पढ़ाई कर रहा है, उनके मन में ये सवाल आता ही है कि मैं फिजिक्स लेकर क्यों पढ़ रहा हूँ। अगर फिर भी कोई टैलेंटेड स्टूडेंट के मन में ये सवाल नहीं आता है, तो वो जब एक बार आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ता है, तब वो मन ही मन आइंस्टाइन को एक ना एक बार गाली देता ही है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को फिकर करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं आज आप लोगों के मन में जमा हुआ सारा भड़ास निकालने वाला हूँ। कितना अच्छा होता ना दोस्तों, अगर ये सब साइंटिस्ट पैदा ही नहीं होते, तब ना ही कोई साइंस के थ्योरी का डर होता और ना ही किसी सब्जेक्ट में फेल होने का डर होता। जस्ट इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर फिजिक्स को दुनिया से हटा दिया जाए तो क्या होगा। ऑब्वियसली अगर कोई साइंटिस्ट जन्म ही नहीं लेते, तो फिजिक्स का जन्म कैसे होता? तब ना ही किसी चीज का फर्क पड़ता, ना ही किसी के मन में लाखों, करोड़ों या अरबों पैसा खर्चा करके अंतरिक्ष में जाने की नौबत आता। ये सब छोड़िए, किसी का जन्म या मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, ये सब भगवान या कहे तो गॉड की मर्जी से होता है। लेकिन जन्म के बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। तो फिर क्यों न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया? अरे बाबा, तुम स्कूल जाके थक गए हो, इसीलिए एप्पल के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे हो। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई भी कर सकता है। तो क्यों तुमने एप्पल को गिरते हुए देखकर ग्रेविटी को डिस्कवर किया? अरे भाई, एप्पल तुम्हारे सामने गिरा है, उसको उठा लो और खा लो। इसमें ऐसा सोचने वाली बात क्या है कि क्यों नीचे गिरा एप्पल? तुम यही सोच लेते कि भगवान या कहे तो गॉड ने उस एप्पल को तुम्हारे खाने के लिए दिया है, इसीलिए वो नीचे गिरा है। इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन लाने की क्या जरूरत थी? अबे साले, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जब वो एप्पल तुम्हारे सामने गिरा, तब तुम उस एप्पल को खा लेते और वहां से चले जाते, बात यही पे खत्म। क्या जरूरत थी उस एप्पल की वजह से ग्रेविटी को डिस्कवर करने की? एप्पल को गिरते हुए देख के सोचते सोचते ग्रेविटी को डिस्कवर कर सकते हो, लेकिन ये नहीं सोच सकते कि यही ग्रेविटी बाद में हमारे गले में कांटे की तरह चुभेगा। अब बात है इन महान ज्ञानी, विद्वान, महापुरुष भी कह सकते हैं उनको। ये भाई साहब तो न्यूटन से भी 100 कदम आगे निकल गया। न जाने इसके मम्मी पापा ने इसको क्या खिला के बड़ा किया, क्योंकि जब से ये होश संभाला है, तब से ये साइंस के जगत में फसर मचाना शुरू किया है। उन्होंने हद तो तब पार की जब उन्होंने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी और ट्विन पैराडॉक्स जैसी थियोरी को सबके सामने लाया। ये थियोरी साइंस के जगत में तो तबाही मचाई थी, लेकिन क्या पता था कि यही थियोरी बाद में छात्रों के जीवन में एक नींद खत्म करने की दवा बन जाएगी। अबे साले, इतना सोच के इतना खतरनाक थ्योरी बना सकते हो, लेकिन इतना नहीं सोच सकते कि फ्यूचर में छात्रों के ऊपर उसका असर क्या होगा। कुछ तो प्रेजेंस ऑफ माइंड था तुम्हारे पास कि आज तक कोई भी इस थ्योरी को क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं। ऑब्वियसली बहुत हार्ड है इसीलिए, लेकिन ना इसको किसी की फिक्र क्यों होगा। मरने के बाद ये थोड़ी ना देखने आएगा कि उसके थ्योरी के साथ कौन क्या कर रहा है। इनको छोड़ो, सबसे बड़ा काल्पनिक तो ये है, क्या है इसका नाम, ईबी, छोड़ो इसका नाम ही प्रनाउंस करने में मुझे 1 साल लग जाएगा। नीचे लिखा हुआ है, वो देख लो, वो पढ़ लो, मेरा तो हालत ही खराब हो गया इसका नाम प्रनाउंस करने में। यही वो इंसान है
जिसको हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, दुनिया का पहला साइंटिस्ट। इसी के वजह से न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे विज्ञानी के दिमाग में साइंस का ख्याल आया है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये बहुत हरामी किस्म का आदमी है। अबे साले, क्या जरूरत थी तुझे साइंटिस्ट बनने की? माँ बाप का नाम रोशन करना था तुझे? अगर माँ बाप का नाम रोशन करना था तो किसी और फील्ड में जाता या बिजनेसमैन ही बन जाता, जिसमें तुम ज्यादा पैसा कमा पाते, उससे तो अपना माँ बाप को खुश भी रख पाते। साइंटिस्ट बनने की क्या जरूरत थी? साले तू इनके बारे में इतना बुरा भला कह रहा है? रुक रुक साले रुक, अब तेरी अकल ठिकाने पे आया ना? इनके बारे में अगर बुरा भला कहेगा तो हम क्या करेंगे तेरे साथ? दोबारा ऐसा गलती भी मत करना, नहीं तो हम फिर से आएंगे। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सब महान विज्ञानी थे। इनके बारे में उतना उल्टा सीधा कहना ठीक नहीं होगा। नो डाउट मैंने बहुत ज़्यादा ही कह लिया, उसको उतना सीरियसली मत लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।